दीप शर्मा को क्या हुआ है? डॉक्टरों को बीमारी का नाम नहीं पता जी। और बीमारी है पूरे कांपन की, पूरे लकवे की बीमारी है पूरी बॉडी में, मैं कुछ कर नहीं सकता कुछ से। डॉक्टर लकवा बताते हैं इसको? डॉक्टर पार्किंसन बताते हैं। पार्किंसन क्या होता है? कांपने की बीमारी हो रही है, दूसरी लकवे जैसी बीमारी। अच्छा, जो एक कांपने की बीमारी है, डॉक्टर से कभी ठीक हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। दर्द कहाँ रहता है पूरे शरीर में? कंधों में, गर्दन में। अच्छा एक बात बताइए, कांपने की बीमारी जब एक जगह से बंद हो जाती है, जैसे अब यहाँ से हाथ कम कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, तो पैर कांप रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि हाथ हाथ कांपना बंद कर देते हैं तो पैर कांपना चालू नहीं? मेरे को कुछ नहीं, कुछ तो पता होना चाहिए तेरे को। बीमारी का कुछ नहीं पता, डॉक्टरों को नहीं पता, मुझे क्या पता। टूट तो जाने दे, कुछ तो हो। हाँ भाई, सलामत रहने से भी तो कुछ नहीं हो रहा। हाथ के तू हाथ से कुछ कर तो पा नहीं रहा, ये कुछ कर पा। छोड़ दो। किसको छोड़ दूँ? बाबा जी छोड़ दो। किसको? संदीप शर्मा को। अच्छा, तो दिलावर खान बन रहा था, अब दिलावर खान नहीं है। है भाई, मैंने कब बताया मैं दिलावर खान हूँ? अच्छा लाई लाई लल्ला कौन कर रहा था? मैं थोड़ी ना कर रहा था, तू कर रहा था, मैं देख रहा हूँ। तेरे को मेरी बीमारी कितनी है, दर्द बताना कहाँ है? अब तो कहीं नहीं है। हाँ, अब तो कहीं नहीं है दर्द। अच्छा, कहीं भी नहीं है पूरे शरीर में? खड़ा हो, जब दर्द ही कहीं नहीं है तो फिर क्या है? खड़ा नहीं हो सकता किसी तरह। क्यों? गिर जाऊंगा पीछे। सीधा खड़ा होने पे पीछे गिर जाऊंगा। अच्छा, बैलेंस नहीं बॉडी का, बॉडी का बैलेंस नहीं। बैलेंस कैसे खत्म हुआ? धीरे धीरे 8 साल में खत्म हो गया, बीमारी बढ़ती गई। अच्छा देखिए, अब सीधा खड़ा होइए, देखो गिरता है क्या। खड़ा तो हो, खड़ा हो, फिर कमर घूमनी बंद हो जाएगी वरना। हो गया, सीधा ही तो है तू, टेढ़ा आया सीधा है, गिरा तो नहीं? और सीधा हो, अरे और सीधा हो संदीप शर्मा, और सीधा हो संदीप शर्मा, तू गिरा तो नहीं? नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? गिरता क्यों नहीं? जान पूछ के गिरता है तू? दर्द कहाँ है संदीप सर? तो कहीं नहीं था। कहाँ गया दर्द? ये दर्द कब से था तुझे? मैं तो 13 साल का तब शुरू हुआ था, आज ठीक भी हो गया, 45 साल का हो गया। तो मेरी उम्र के बाहर बात होगा। ताली बजा, 30 साल से दर्द। ताली बजा, मार मार जोर जोर से, मार मार जोर जोर से, और जोर से मार, ताली कम सुनाई दी। तूने अपने हाथ पैरों को बांध के नहीं देखा? फिर जैसे ये पकड़ लिया, कंपन बंद हो गया। इस कंपन के बंद होने में कुछ और भी हो रहा था तेरे को? तेरे रोम रोम खुल रहे थे, पैरों में आ रहा कंपन। हैं? पैरों में जाएगा? नहीं, बीमारी तो है ये, मैंने देखा है। मैं ये नहीं कह रहा बीमारी नहीं है, लेकिन इस बीमारी के साथ तेरे को दर्द था। क्या था? अभी है? कहाँ गया? और कहीं पूरी बॉडी में दर्द है? कहाँ गया दर्द? था ना? नहीं, मैंने 2 मारे तेरे कंधे में, दर्द भागा, और जब 2 मारे तो तेरे रोम रोम भी खुले थे, ठीक है कि नहीं? अब तो नहीं खुल रहे। इसका मतलब तेरी बीमारी पे कोई चीज़ साथ में बैठने लगी है। ये दर्द डॉक्टरों से गया नहीं तेरा? दर्द से भी तो दुखी होगा तू? कुछ नहीं, दर्द मिला ही नहीं, MRI कर ली, स्कैन कर ली। वो दर्द इसलिए नहीं मिला ना, वो दर्द प्रेत बाधा के कारण है, पितृदोष के कारण है, तभी तो मेरे 2 मारने से चला गया। डॉक्टर के सारे काम करने से, डॉक्टर अब डॉक्टर को हमने मनोनीत कर दिया कि भाई ये काम करेगा, ठीक है। अब डॉक्टर वो काम बखूबी ना करे तो उसमें क्या वो है? संसार तो ये चाहता है डॉक्टर अच्छा काम करे। ऐसे कुछ नहीं हो रही, डॉक्टर से तो बीमारी बढ़ती जाने लग रही है। बढ़ती जाने लग रही है डॉक्टर से? बढ़ाई में क्या आ रही है इसकी? जो कंपन है अभी इतना ही है, कम था पहले, बहुत कम था पहले। एक उंगली हिलती थी धीरे धीरे, फिर सारा शरीर हिलना शुरू हो गया। एक ही उंगली हिलती थी? एक उंगली, सीधे हाथ की उंगली हिलती थी। तेरा कोई ऑपरेशन ऑपरेशन तो नहीं करा था उसके बाद डॉक्टर ने? नहीं। हाँ, ना कोई ऑपरेशन नहीं करा। और कांप जोर जोर से? अपने आप होता ही नहीं है, तो मैं तो नहीं देख लूँ ना, मैं आँखों में देखो। क्या नाम है तेरा? संदीप शर्मा। दिलावर खान। दिलावर खान। कहाँ से आया तू इस बच्चे में?
पता नहीं। तो और तेजी से हिला रहा है इसको, रोक के दिखा एक बार, रोक, मैं तभी तो मानूंगा तो दिलावर खान है। रोक, पूरा रोक दे बिल्कुल एकदम से, रोक दिलावर पूरा। अब और जोर से हिला, जितना हिला सकता है, अपनी ताकत दिखा दिलावर खान। तेरी ताकत क्या है? शक्ति नहीं है तेरी, तो इसको हिला रहा है जोर जोर से। जब कह रहा हूँ तो बंद कर रहा है, यही तो तेरी ताकत है। ठीक है, तुझे तेरे अल्लाह की कसम, हिला जितना हिला सकता है इसको। अल्लाह की कसम। क्यों, अल्लाह से डरता है तू? उसी से डरता हूँ। उसके हिजाब से, उसके रसूख से। ओ, तो फिर उसके रसूख से डरता है, तो फिर जोर जोर से कर, जितनी जोर से कर सकता है, जितना तू घर पे हिलाता है ऐसे। तुझे ऐसे हिलाने में क्या आनंद आता है भाई? है भाई दिलावर खान, इसकी बॉडी को ऐसे कपाने में तुझे क्या आनंद आता है? मैंने इसको बर्बाद करना है। तूने इसको बर्बाद करना, तुझे किसी ने भेजा है? तू अपनी मर्जी से लगाया रोड से? तुझे कोई याद नहीं है। कितने साल से है तू इसके शरीर में? 30 साल से। 30 साल से। अब टैक्स भरना पड़ेगा सारा का सारा, क्या करेगा? रोक इसको, रोक इसको, तुझे अल्लाह की कसम। बंद, बिल्कुल बंद, सीधा खड़ा हो और बिल्कुल। दिलावर खान है तो तू सीधा खड़ा हो, तभी तो हम मानेंगे तू दिलावर खान है। रोक इसको, मुठिया बंद कर, अब रोक दे इसको जहां तक रोक सकता है, जहां तक तूने ताकत लगाई हुई है हिलाने में। तुझसे तो ये भी नहीं रुकता, बीमारी है इसको, ये बीमारी है वो तो मुझे भी पता है, पर तू भी तो बीमार के अंदर है, तू कम से कम रोक तो सकता है इसको। रोक, पर तेरी ताकत कहाँ है? इसका मतलब अल्लाह वालों के पास ताकत नहीं होती? अल्लाह सबसे ताकतवर है। तो अल्लाह वालों के पास तो ताकत नहीं होती ना, वे सारे निर्बल हैं, दुर्बल है। हाँ भाई, तू ये बात कहना चाहता है क्या दिलावर? रोक अपनी शक्ति से। कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं तो मुक्ति चाहता हूँ। तुझे मुक्ति का क्या मतलब? मुसलमान को मुक्ति से क्या मतलब? उसकी मुक्ति हो गई तो ऊपर वाले के पास हूरे कहाँ से मिलेंगे? छुटकारा चाहिए। छुटकारा मिल गया तो हूर कौन लेगा? 1000 साल हो गए तेरे को भटकते हुए। तू इसमें 30 साल से 1000 साल तेरे को भटकते हुए होगे? मुझे खुद नहीं पता कब से भटक रहा हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। मैं खुद तंग आ चुका हूँ, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, मेरे को मुक्ति दे दो बस। आप ही दे दूँगा, मैं तेरे ऊपर 200 किलो वजन रख दूँगा। हिले बंद करो, मेरे को छुटकारा दे दो। हाँ भाई, मेरे को इस जीवन से छुटकारा दे दो, इस योनि से छुटकारा दे दो। क्यों जाप क्यों ना करता? भगवान के नाम का जाप बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम। कलमा पढ़िए तो कैसे पढ़ता है? या इलाही इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, कहीं किसी दरगाह पे लेके थे कैसे? हां ना, किसी मुसलमान के पहले मैं जाता था दरगाह पे खुद। ये जाता था बस, इसको वही याद। 10 साल गया हूं दरगाह पे। चेक कराओ इसको, प्रेत बाधा तो है, लेकिन ये रोग भी है। ये रोग मैंने पहले भी देखा है एक मौके। ठीक है ना, रोक हाथ को, रोक, अरे रोक अपने हाथ को, चल अपने आप नहीं हिलता। रोको, मुट्ठी बंद करो, अपना संकल्प लगाओ। हिलता हिलाते हो तभी तो हिलता है। ये देख, मैं चला रहा हूँ तभी तो चलता है। मैंने ठान लिया, मैंने चलना है। तू ठान, तूने चलना है, चलिए चल। चलता तो हूँ। अरे चलना तो फिर चल के ही आया हूँ यहाँ तक। चल सीधा हो, या तेरी कमर में ये और फलाना रही। चल बहुत सीधा, बिल्कुल सारे गर्दन टेढ़ी कर ली, ये कर ली। चल फिर पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव जय, जय शनिदेव। बोलो सतगुरुदेव मनु भैया जी की, सच्चे दरबार की। ये ठीक, वो मार बैठक मार। अब क्या हिल रहा है तेरा भाई? वो हिल रहा है, उसको टाइट पकड़। हाँ लगा बैठक, बोल जय शनिदेव। हाँ कुछ तो करेगा ऊपर नीचे, यहाँ माथा लगा। चल जोर से पकड़, वहां से मार बना खींच के। हो गया, आधी बीमारी तो ऐसे कम होगी ये तेरी? हो गई कि नहीं होगी? फिर ये संकल्पों से बीमारी जाने वाली है। इस बीमारी का एक इलाज है आपके अच्छे संकल्प। ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर का संचालन करती हूँ।
मैं हाथ उठाना चाहती हूँ तो हाथ उठाती हूँ, ठीक है। इसलिए केवल मानसिक जप करना है। कैसे जप करना है? ओम नमः शिवाय, ओम का मानसिक जप करना है, मन ही मन, ठीक है। करिए जीभ बंद करके, जीभ नहीं हिलनी है, अंतर ही अंतर, ठीक है। तो वैसे एक महीने जप करोगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर ये कंपन बंद हो जाएगी। मानसिक जप अंदर ही अंदर बोल। इसको तीनों जब सिखाने हैं साधना के, ये फिर ठीक हो जाएगा। मुझे किसी ने पीछा है नहीं आज तक मेरे, मैं इसलिए पीछा है कि तेरे को दर्द रहते हैं। अब तेरे को दर्द है नहीं है, है भाई दर्द है कहीं है? और वैसे कितने साल से दर्द रहता है? 30 साल से। डॉक्टर से तेरा दर्द कभी ठीक हुआ? दवाइयों से भी। तूने कहा डॉक्टरों को मुझे दर्द है? हजारों बार। तब दर्द के लिए दवाई देते थे या कुछ और लगाते थे? और फिर दर्द ठीक नहीं होता था फिर भी बस। और फिर मैं उठा, उठाएगा नहीं, उलझ के गिर जाएगा। हाँ, और उठा अपने शक्कर थे, ये कंपन भी आधा बंद, हाथ रखो ऐसे। हाँ, तो पैर पीछे करो ऐसे जैसे मैंने की। चल स्पोर्ट है ना हाथ की, अरे तो पैर पीछे करना, पीछे हो पैर पीछे कर, दिमाग में भर लिया पैरालाइज भी तो है। पीछे अब झुका के हाथ केवल, हाँ और मुट्ठी अंगुलियों को पकड़ टाइट, टाइट नहीं पकड़ रखी, टाइट पकड़ेगा तो रुक ही जाएगा। आगे ना समझ में, संकल्प लगाना है, मन ही मन जाप करना है, मैं इस शरीर का संचालन करने वाला हूँ। ऐसे कितने शरीर मैंने ग्रहण किए हैं आज तक? बहुत शरीर मैंने, मैं 84 लाख योनियों में से निकल के आया। हाँ, और आगे और भी भोगूंगा, और भी बहुत सारी योनियां मुझे मिलेंगी, ठीक है। तब इसी में थोड़े ना रहना है, आगे भी जाना है, लेकिन अपने शरीर का संचालन भी करना है, जाप करना है। क्या करना है, क्या करना है? वीडियो देखता है मेरी, दर्द है कहीं? हाँ चल जा चेक करते हैं।